हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अंबिका खंडेलवाल आपके लिए 11 सितंबर के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि बेसिस है कुछ ऑब्जर्वरी पे या फिर कुछ अपॉइंटमेंट्स पे या कोई नियुक्ति हुई है उसके ऊपर, या जो भी हमारे गोल्ड मेडलिस्ट है, जो भी चैंपियनशिप चल रही है आजकल, गेम्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो उसके ऊपर जिसने गोल्ड मेडल जीता है या इंडिया ने कौन सा मेडल जीता है उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे लेके आए। हाल ही में वीरू कृष्णन का निधन हो गया है, वह क्या थे? तो वो एक अभिनेता थे, वीरू कृष्णन। वीरू कृष्णन ये एक अभिनेता थे, साथ ही साथ ये डांसर थे। हाँ, वीरू कृष्णन ये एक अभिनेता थे, एक्टर थे, और ये एक डांसर भी हैं, डांसर भी थे, और साथ ही साथ इन्होंने कत्थक भी सिखाया है, कत्थक गुरु भी थे ये, कत्थक गुरु भी थे ये। वीरू कृष्णन का भी हाल ही में निधन हो गया है। ये अभिनेता थे, डांसर थे, और कत्थक गुरु भी थे। इन्होंने कत्थक गुरु थे, इन्होंने कैटरीना कैफ और जो करणवीर बोहरा है जैसे कुछ फेमस एक्टर्स को कत्थक सिखाया है करण वीरू कृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा स्क्रीन पे? नेक्स्ट है, सितंबर 2019 में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति अनंत, सर प्लीज इस जूम कर देंगे, न्यायमूर्ति अनंत, अनंत सुंदरे देव, न्यायमूर्ति प्रदीप नंदरा जोग, न्यायमूर्ति गीता मित्तल, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, इनमें से कौन है? न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ को अभी हाल ही में गुजरात के जो मुख्य न्यायालय है, गुजरात के मुख्य न्यायालय, गुजरात का जो हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायालय, मुख्य जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। जो हमारे न्यायमूर्ति कृष्ण विक्रमनाथ हैं, ये पहले इलाहाबाद के हाई कोर्ट में सिर्फ न्यायाधीश थे, अब इन्हें हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस चुन लिया गया है। गुजरात के चीफ जस्टिस हैं, गुजरात उच्च न्यायालय के, गुजरात हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जेठमलानी का निधन हो गया, वह पूर्व केंद्रीय डैश मंत्री थे। वो कौन से मंत्री थे? जेठमलानी जी, जिनका आज निधन हो चुका है, वो थे जो कानून मंत्री, कानून मंत्री थे वो, कानून मंत्री, कानून मंत्री जेठमलानी, जेठमलानी कानून मंत्री थे। और इसके अलावा ये वरिष्ठ जो थे, वरिष्ठ अधिवक्ता थे, वरिष्ठ क्या बोल सकते हैं अपन इसको, जो न्यायाधीश थे वो थे, कानून मंत्री थे और वरिष्ठ अधिवक्ता थे। और इसके अलावा जो है इन्होंने बहुत से हाई, जो हाई लेवल के जो मामले होते हैं, हाई लेवल के जो केसेस होते हैं उनको इन्होंने हैंडल किया था, जेठमलानी जी ने, कानून मंत्री है ये, मंत्री थे ये, इनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने 5S-400 सिस्टम की खरीद के लिए 5.43 बिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? अमेरिका ने, इसराइल ने, फ्रांस ने, रूस ने, या दक्षिण कोरिया ने? अब अमेरिका ने करा है, इसराइल ने करा है, फ्रांस ने करा है, रूस ने, या दक्षिण कोरिया ने, किसने किया है ये? तो ये हुआ है रूस के साथ, ये समझौता भारत और रूस के बीच में हुआ था। भारत और रूस के बीच में ये समझौता कब किया गया था? ये किया गया था अक्टूबर 2018 में, अक्टूबर 2018 में, 5 अक्टूबर 2018 को ये समझौता किया गया था। ये कब किया गया था? जब दीर्घकालिक सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए 2018 में 19वें जो भारत रूस वार्षिक सम्मेलन हुआ था उस समय पे ये जो समझौता हुआ है उस पर हस्ताक्षर किए गए थे रूस और भारत के। इस समझौते में क्या इसका उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जो दीर्घकालिक सुरक्षाएं हैं, सुरक्षा की जो इंडिया को आवश्यकता है उसके लिए ये समझौता किया गया था। और ये समझौता कहाँ किया गया था 2018 में? तो ये 5 अक्टूबर 2018 को ये समझौता किया गया था, और न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में,
इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 5.43 बिलियन का ये डॉलर का जो सौदा है उस पर ये हस्ताक्षर किए गए थे। इंडिया को 5S-14 सिस्टम खरीदने के ऊपर ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2019 का विषय क्या है। फ्रेंड्स, साक्षरता दिवस होता क्या है? साक्षरता मतलब होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें हमारी जो बढ़ोतरी है उसको करने की जो दर है उसको उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है, साक्षरता दिवस। साक्षरता दिवस का मतलब कि जो शिक्षा है उसके क्षेत्र में हमारा इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है उसकी एक रेट निकाली जाती है, वो भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो साक्षरता दिवस 2019 का विषय ये था, साक्षरता और कौशल विकास, या फिर डिजिटल दुनिया में साक्षरता, साक्षरता और बहुभाषावाद। और सर जूम कर देंगे, अतीत पढ़ना भविष्य लिखना या साक्षरता सतत समाज, तो इसका सही आंसर है साक्षरता और बहुभाषावाद। जो ये साक्षरता दिवस है उसका उद्देश्य था, उसका जो विषय है यही था, साक्षरता और बहुभाषावाद। और ये कब मनाया जाता है साक्षरता दिवस? साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? साक्षरता दिवस, साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा देश कितनी बढ़ोतरी कर रहा है इसकी एक रेट भी निकाली जाती है, तो वो रेट हर देश के लिए अलग अलग होती है। शिक्षा के क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी की है, पढ़ने लिखने में जो है हमारा इंडिया थोड़ा सा पीछे था पर अब काफी आगे बढ़ चुका है। कई क्षेत्रों में अभी भी पढ़ाई के लिए जो है बंदिशें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सितंबर 2019 में लद्दाख मैराथन में 8वां संस्करण निम्नलिखित में से किस श्रेणी में शुरू किया गया था? तो इसके जो 42 किलोमीटर फुल मैराथन में, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन में, 7 किलोमीटर रन फॉर फन के जो उसके लिए किया गया था, तो क्या सही है इसमें से? केवल ए, तो स्क्रीन ऊपर करेंगे, केवल ए ऑप्शन सही है, केवल दो और एक और दो ही सही है, या फिर केवल एक और तीन सही है, केवल दो और तीन सही है, या फिर सभी सही है? तो इसके सभी ऑप्शंस राइट हैं, सभी ऑप्शंस राइट हैं। 42 किलोमीटर फुल मैराथन थी, फुल मैराथन 42 किलोमीटर फुल मैराथन, 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, हाफ मैराथन, और 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर रन फॉर फन, रन फॉर फन, 7 किलोमीटर जो थी रन फॉर फन के लिए लद्दाख में हुई थी ये। 42 किलोमीटर फुल मैराथन, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन और 7 किलोमीटर की जो रन फॉर फन है, ये तीन स्तर की जो प्रतियोगिताएं थी वो हुई थी लद्दाख के अंदर, इसका 8वां संस्करण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, 24वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहां पर शुरू की गई है? तो ये रियाद में शुरू की है, दोहाद में, या मस्कट में, या फिर अबू धाबी में, या बगदाद में, ये कहां शुरू की गई है? सर क्वेश्चन को लेके आइए वापस से। 24वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस ये कहां हुई है? तो ये हुई है यूएई, यूएई में हुई है ये 24वीं विश्व ऊर्जा जो है वो यूएई में हुई है। और किसके संरक्षक में हुई है? सही क्वेश्चन बता दीजिए एक बार। ये राष्ट्रपति जो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति है, यूएई के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? वो है शेख खलीफा, शेख खलीफा बिन अल निहान, अल निहान, अल नहान। राष्ट्रपति है यूएई के शेख खलीफा बिन अल निहान। ठीक है, इनके संरक्षक में ये 24वीं जो विश्व ऊर्जा कांग्रेस जो हुई है वो यूएई में हुई है, और यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन अल निहान है। और ये जो विश्व ऊर्जा कांग्रेस है इसका उद्देश्य क्या है, इसका मोटो क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जो 250 से अधिक जो उच्च स्तरीय वक्ताएं हैं, और उसके अलावा जो 72 मंत्री है, और जो 500 CEO है, उनके स्वागत की तैयारी के लिए ये जो 24वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस है
इसके लिए सम्मेलन हुआ था, ये 9 सितंबर को, ये जो है वो 9 सितंबर को, 24वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस वो 9 सितंबर को हुई थी, यूएई में हुई थी। इसके संरक्षक कौन थे? शेख खलीफा बिन अल निहान हक, जो कि यूएई के राष्ट्रपति है। यूएई का पूरा नाम क्या है? संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। अभी हाल ही में ये यूएई बहुत ही चर्चा में चल रहा है, और यूएई ने भी हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें एक सम्मान से सम्मानित किया था। वो सम्मान कौन सा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेरे वीडियोस में इसको मैंने बताया था आपको, यूएई का जो भी सम्मान है इंडिया को, कौन सा सम्मान दिया गया था हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को यूएई द्वारा, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाएंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा हितकरों को जो को शामिल करना, हितकरों को इसमें शामिल करना, अंतर्राष्ट्रीय जो ऊर्जा हितकर है उनको इस सम्मेलन में, इसको उनको इस में शामिल करने के लिए ये 9 सितंबर को एक बैठक हुई थी, 24वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस, जो कि यूएई में हुई थी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं फ्रेंड्स। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लिया कीजिए, कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र की 9 दिवसीय यात्रा शुरू की है? इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ये 9 दिवसीय यात्रा पर है। 3 देशों की यात्रा करेंगे ये 9 दिन के अंदर, 3 देशों की यात्रा करेंगे 9 दिन में। अब वो 3 देश कौन कौन से हैं ऑप्शन में देख लेते हैं, सर जूम कर दीजिए इसको। आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड, 1 और 2, दोनों सभी सही है। क्या है इसका आंसर? आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड, 1 या 2, दोनों सही है या फिर सभी सही है? तो इसका आंसर सभी सही है। आइसलैंड भी जाएंगे, स्विट्जरलैंड भी जाएंगे और स्कॉटलैंड भी जाएंगे। 3 देशों की यात्रा पर है, 9 दिन की यात्रा पर है ये। तो ये कौन कौन से देश है? आयरलैंड, आइसलैंड जिसको अपन बोलते हैं, आइसलैंड, आइसलैंड, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड या फिर जो स्विट्जरलैंड, ये 3 यूरोपीय देश हैं। इनकी 9 दिवसीय यात्रा पर हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, वो जाएंगे 9 दिन की यात्रा के लिए। और ये कब से कब तक जाएंगे, किस डेट से किस डेट तक जाएंगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कौन कौन से देश है? स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, स्कॉटलैंड। राष्ट्रपति जा रहे हैं हमारे इंडिया के रामनाथ कोविंद जी 3 देशों की यात्रा पर 9 दिन के लिए। ये बहुत ही ज्यादा है 9 दिन, 3 देशों की यात्रा एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2019 में कहा यूएन कन्वेंशन ऑफ पार्टीज के 14वें सम्मेलन की उच्च स्तरीय खंड को संबोधित किया है? तो 14वीं उच्च स्तरीय बैठक, 14वीं उच्च स्तरीय खंड, उच्च स्तरीय खंड, खंड को संबोधित किया है हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 14वीं उच्च स्तरीय खंड को संबोधित किया है, वो कहाँ होने वाली है? वो होने वाली है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में ये होने वाली है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ये समिट है वो होने वाला है। 14वीं उच्च स्तरीय खंड को संबोधित करने वाले हैं इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। ये कब होगा, किस डेट को होगा, सितंबर में किस डेट को ये होने वाला है? तो ये कब होने वाला है? सितंबर में होने वाला है। और जो ये कॉप जो है उसका पूरा नाम है कन्वेंशन ऑफ
का नाम जो है वो है कॉप का नाम, कन्वेंशन ऑफ पार्टी, ऑफ पार्टी, ठीक है, कॉप, इसको कॉप बोलते हैं, कन्वेंशन ऑफ पार्टी को कॉप बोलते हैं। यूएन की जो कन्वेंशन ऑफ पार्टी है, 14 सम्मेलन होने वाला है इसका, वो कहाँ होने वाला है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। और ये जो ये जब होने वाला है, जब चीन से इंडिया ने 2 साल के लिए कॉप की अध्यक्षता ले ली है, चीन से ली है ये कॉप की अध्यक्षता, पहले चीन के पास थी, अब इंडिया के पास है 2 साल के लिए इसकी अध्यक्षता, ठीक है। और इसके जो उद्देश्य है, इस सम्मेलन का जो इसको करने का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है दुनिया भर में भूमि को उपजाऊ उपजाऊ करने की नीति पर विचार करने के लिए ये जो समिट है वो होने वाला है, जो सम्मेलन है 14वां सम्मेलन वो होने वाला है, इसको संबोधित करने वाले हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ताकि जो जितनी भी दुनिया में जो भूमि है उसको उपजाऊ कर सके, ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ कर सके, उसके लिए ये समिट होने वाला है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विधायक पुवामा अजय कुमार को सर जूम कर देंगे, को परिवहन मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो कौन से स्टेट के परिवहन मंत्री बने हैं जो अजय अजय कुमार हैं, पुवामा अजय कुमार, पुवामा अजय कुमार को किस स्टेट के, किस राज्य के लिए, किस राज्य के लिए इनको परिवहन मंत्री नियुक्त किया गया है, इनको परिवहन मंत्री, क्वेश्चन हटा दीजिए सर, ये परिवहन मंत्री किस राज्य के लिए इन्हें परिवहन मंत्री नियुक्त किया गया है, ने तेलंगाना, तेलंगाना राज्य के लिए, तेलंगाना राज्य के लिए पुवामा अजय कुमार को परिवहन मंत्री नियुक्त किया गया है। अब ये पहले क्या थे, पुवामा अजय कुमार पहले भी कुछ होंगे, अभी इन्हें परिवहन मंत्री नियुक्त किया गया है, तो इससे पहले ये क्या थे, इससे पहले ये क्या थे, परिवहन मंत्री ने नियुक्त किया गया है तो इससे पहले ये क्या थे, परिवहन पुवामा अजय कुमार, इन्हें तेलंगाना का परिवहन मंत्री नियुक्त किया गया है, और इन्हें किसे किसने नियुक्त किया है, इसे हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है रामनाथ सिंह कोविंद, उन्होंने इसे नियुक्त किया है, इन्हें नियुक्त किया है पुवामा अजय कुमार को तेलंगाना के परिवहन मंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2019 में FIH रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की क्या रैंकिंग रही है, कौन सी रैंकिंग पे इंडिया की जो FIH रैंकिंग के अनुसार इंडिया की जो पुरुष हॉकी टीम है वो किस स्थान पर रही है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे या फिर छठे पे, तो कौन से स्थान पर इंडिया की जो पुरुष हॉकी टीम है वो रही है, तो पांचवे स्थान पे, पांचवे स्थान पर, पांचवे स्थान पर पुरुष हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम, और जो महिला हॉकी टीम है वो किस स्थान पर रही है, तो महिला हॉकी टीम रही है, महिला हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम रही है आठवें स्थान पे, नौवें स्थान पे, नौवें स्थान पर महिला हॉकी टीम रही है नौवें स्थान पर, पुरुष हॉकी टीम रही है पांचवें स्थान पर, और ये FIH क्या है, FIH, FIH का मतलब है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अकॉर्डिंग भारतीय पुरुष टीम की जो रैंकिंग है वो रही है पांचवें स्थान पर, और जो महिला हॉकी टीम है उसकी रैंकिंग रही है नौवें स्थान पर, ठीक है। तो इसका FIH का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वो है स्विट्जरलैंड में, इसका स्टैब्लिश ईयर क्या है, इसको जब स्थापित किया गया था वो कौन सा ईयर है इसका, तो वो ईयर है 7 जनवरी, इसको स्टैब्लिश ईयर, इसका जो स्थापना दिवस है वो है 7 जनवरी, 7 जनवरी 1924, 1924 में इसको स्थापित किया गया था, 7 जनवरी 1924 को स्थापित किया गया था FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, 7 जनवरी 1924 को इसको स्टैब्लिश किया गया था, और इसका एक मोटो है, प्ले फेयर प्ले, फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉर एवर, इसका
इसका मोटो क्या है, फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉर एवर, इसका ये मोटो है FIH का, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो मोटो है वो है फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉर एवर। ठीक है, ये फ्रेंड्स याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार किसी फेडरेशन का क्या मोटो है या किसी चीज को करने का उद्देश्य क्या है, वो इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी परिषद का 68वां पूर्ण सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? उत्तर पूर्वी परिषद का जो 68वां पूर्ण सत्र है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, शिलोंग में, गुवाहाटी में, या गोतक में, या फिर लास्ट ऑप्शन से जूम करेंगे थोड़ा सा, ईटानगर। ये कहाँ हुआ है? क्वेश्चन वापस ला दीजिए। उत्तर पूर्वी परिषद, उत्तर पूर्वी परिषद, उत्तर पूर्वी परिषद का 68वां सत्र ये कहाँ हुआ है? ये किया गया है नई दिल्ली, गुवाहाटी में। गुवाहाटी, गुवाहाटी कहाँ है? आसाम में। गुवाहाटी कहाँ है? आसाम में। अब आप मुझे एक चीज बताइए, असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो गवर्नर हैं उनके नाम क्या क्या हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पे आसाम की बात आई है तो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का नाम जरूरी ही है हमारे लिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, जब भी किसी स्टेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसके कभी कभी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर या फिर उसकी जो कैपिटल है उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो आसाम की कैपिटल क्या है? आसाम में ये उत्तर पूर्वी परिषद 68वां सत्र गुवाहाटी में हुआ है। आसाम की कैपिटल, चलो मैं आपको बता देती हूँ, दिसपुर। दिसपुर, दिसपुर जो है वो आसाम की कैपिटल है। पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में चीफ मिनिस्टर और इसके गवर्नर हैं जो आसाम के, वो आप मुझे बताएंगे। और 68वां सत्र गुवाहाटी में हुआ है उत्तर पूर्वी परिषद का। तो अब जब कोई भी सम्मेलन या कोई भी अधिवेशन कुछ भी होता है तो उसका एक उद्देश्य होता है, तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है विभिन्न मंत्रालय व राज्य सरकारी सरकार की ओर से उत्तर पूर्व के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न मुद्दों पर विचार करना, उनके लिए उनकी प्रस्तुति करना। विभिन्न मंत्रालय व राज्य सरकार के द्वारा उत्तर पूर्व के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न विकास को संबंध करना, हमारे जो इंडिया का उत्तर पूर्वी पार्ट है, इंडिया का जो उत्तर पूर्वी पार्ट है उसके ऊपर जो भी विभिन्न मुद्दे हैं, जो भी बातें हैं उसके ऊपर प्रस्तुति करना कि किस राज्य के बारे में किसकी क्या राय है, ठीक है, वो जानने के लिए ये सबमिट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिलीप, ज़ूम कर देंगे, दिलीप सत्यपति का निधन हो गया, वह एक क्या थे? वो क्या थे? दिलीप, दिलीप सत्यपति। आज तीन ऑबिचुरी पढ़ी है हमने, तीन ऑबिचुरी पढ़ी है, एक है वीरू कृष्णन की, एक हमने पढ़ी है ये अभी दिलीप सत्यपति की, और एक और ऑबिचुरी पढ़ी थी हमने अभी, एक और ऑबिचुरी पढ़ी थी हमने किसकी, तीन ऑबिचुरी जेठमलानी जी की। तो ये दिलीप सत्यपति, इनका निधन हो चुका है, ये क्या थे? तो ऑप्शन है अपने, अभिनेता थे, पत्रकार थे, क्रिकेटर थे, डॉक्टर थे, या शास्त्रीय नर्तक थे। तो ये क्या थे? ये एक वरिष्ठ पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार थे ये, और एक थे संपादक भी थे, वरिष्ठ पत्रकार व संपादक भी थे ये दिलीप सत्यपति। इनका निधन हो चुका है, ये एक वरिष्ठ पत्रकार थे और संपादक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वीं दैनिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महाउत्सव के लिए के किस फिल्म को गोल्डन लॉयंस अवार्ड जीता है? किस फिल्म ने गोल्डन लॉयंस अवार्ड जीता है? गोल्डन लॉयंस अवार्ड, गोल्डन लॉयन पुरस्कार किसने जीता है? कौन सी बैठक में, किस जो सम्मेलन हुआ है उसमें ये 76वीं वेनिस फिल्म महोत्सव में ये पुरस्कार गोल्ड लॉयंस किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है इंडियन फिल्म जोकर, बॉलीवुड फिल्म थी जोकर, उसे ये अवार्ड दिया गया है गोल्डन लॉयंस। इसके अलावा दो से तीन पुरस्कार और भी मूवीज को मिले हैं, और भी फिल्म्स को मिले हैं, किसी निर्देशक को, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको भी अवार्ड्स मिले हैं, तो वो हम देख लेते हैं। एक है एन ऑफिसर एंड अ स्पाई,
एक मूवी है उसके लिए उनके जो डायरेक्टर हैं, जो डायरेक्टर हैं रॉय एडरसन, रॉय एडरसन, रॉय एडरसन को पुरस्कार मिला है। एन ऑफिसर एंड अ स्पाई के लिए रॉय एडरसन को जो डायरेक्टर हैं उन्हें पुरस्कार दिया गया। उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? उन्हें दिया है अबाउट अबाउट एंडलेस, अबाउट एंडलेस पुरस्कार दिया गया है। अबाउट एंडलेस, एंडलेस, अबाउट एंडलेस पुरस्कार है जो दिया गया है एन ऑफिसर एंड अ स्पाई मूवी के लिए रॉय एडरसन, जो कि इन्होंने डायरेक्ट करी है, जो कि इन्होंने बनाई है। उसके अलावा एक पुरस्कार और है, जूरी पुरस्कार। जूरी पुरस्कार ये किसे दिया गया है? जूरी पुरस्कार ये दिया है पोलंसकी, पोलंसकी, पोलंसकी है, उन्हें दिया गया है, रोमन पोलंसकी, जिसे हम बोल जिन्हें हमें बोलते हैं कि रोमन पोलंसकी, उन्हें जूरी पुरस्कार दिया गया है। किस मूवी के लिए दिया गया है ये? ये दिया गया है ड्रेफस अफेयर, अफेयर, ड्रेफस अफेयर मूवी के लिए पुरस्कार दिया गया है, जूरी पुरस्कार दिया गया है रोमन पोलंसकी को। ड्रेफस अफेयर, अफेयर मूवी के लिए दिया गया है इन्हें ये पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2019 में ट्रैक, सर जूम कर देंगे, टेनिस में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है? यूएस ओपन एकल खिताब, यूएस ओपन एकल खिताब, यूएस ओपन एकल खिताब किसने जीता है? सितंबर में हुई 2019 सितंबर में हुई टेनिस में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसके ऑप्शंस हैं नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, एंडी मुरे या डैनियल मदेवदेव, मद मदेवेदेव। ठीक है, तो ये किसने जीती है? ये जीती है राफेल, राफेल नडाल ने। और किसको हराया है? राफेल नडाल ने ये जीती है, और किसको हरा करके जीती है? ये हराई है डैनियल, डैनियल, सर जूम करिए ऑप्शन, डैनियल मदेव, मदेवे देव, इन्हें ये हराई है इन्होंने, राफेल नडाल ने, यूएस ओपन एकल खिताब राफेल नडाल ने डैनियल मदेव देव को हरा करके जीती है। अब इनका कौन सा कौन सी चौथी बार तो इन्होंने इसे जीता है एकल ओपन खिताब, जो यूएस का ओपन एकल खिताब है वो चौथी बार, चौथी बार राफेल नडाल ने जीता है। उसके अलावा, उसके अलावा इन्होंने 19वीं बार ग्रैंड प्री का खिताब जीता है, 19वीं बार, 19वीं बार ग्रैंड प्री का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। चौथी बार यूएस ओपन एकल खिताब जीता है, उसके अलावा 19वीं बार ग्रैंड प्री खिताब जीता है, और इस बार किसको हरा करके? डैनियल मदेवेदेव को हरा करके इन्होंने ये पुरस्कार जीता है राफेल नडाल ने। टेनिस में, टेनिस में यूएस ओपन पुरस्कार में एकल खिताब राफेल नडाल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। 25वीं एशियाई जूनियर और, सर जूम कर देंगे, 25वीं एशियाई जूनियर और कैडर टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो ये कहाँ आयोजित की गई है? मंगोलिया में, कजाकिस्तान में, चीन में, ऑप्शन अजरबैजान में या आर्मेनिया में, ये कहाँ आयोजित की गई है? तो जो 25वीं एशियाई, 25वीं एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता ये कहाँ की गई है? तो ये की गई है मंगोलिया में, ये मंगोलिया में आयोजित की गई थी। और मंगोलिया के किस शहर में इसे आयोजित किया गया था? मंगोलिया के किस शहर में इसे आयोजित किया गया था? तो उलान बटर, उलान बटर, मंगोलिया के उलान बटर में इसका आयोजन किया गया था 25वीं टेबल टेनिस एशियाई
जो प्रतियोगिता है मंगोलिया के उलान बटर में, इसमें किसने रजत पदक जीता है, किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो वो देख लेते हैं। इंडिया ने इसमें कौन सा मेडल जीता है? तो इंडिया ने इसमें रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल रजत पदक जीता है इंडिया ने। और इंडिया के किस प्लेयर ने जीता है ये? तो ये जीता है पायस जैन ने, पायस जैन ने, इंडिया के पायस जैन ने रजत पदक जीता है। इंडिया ने दो मेडल जीते हैं, एक तो जो जूनियर टेबल टेनिस है की जो टीम है उसने जीता है, और उसके अलावा रजत पदक पायस जैन ने जीता है। तो गोल्ड मेडल किसने जीता है? गोल्ड मेडल जीता गया है चीन के प्लेयर हैं युआन यू, इनके द्वारा इसमें गोल्ड मेडल जीता गया है। चीन के युआन यू ने ये जो प्रतियोगिता है उसको विन किया है, उसको जीता है, और इंडिया ने इसमें रजत पदक पाया है पायस जैन के द्वारा। मंगोलिया में हुई थी, मंगोलिया के उलान बटर में हुई थी। क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कि कौन सी प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई थी, किस शहर में उसको आयोजित किया गया था, किसने उसमें रजत पदक जीता और किसने उसमें गोल्ड मेडल जीता, कौन उस प्रतियोगिता में विन रहा। तो ये जो हमारे प्रतियोगिताएं होती है या कोई भी किसी भी तरीके की मेडल होता है जो जो भी कोई भी टीम जीतती है, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।